आईपीएल 2022 का 44वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जहां पर मुंबई की टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला कुछ हद तक उनके लिए सही भी साबित हुआ। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने राजस्थान रॉयल्स की ओर से जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। आज ये दोनों ही खिलाड़ी तेजी से रन बनाने में नाकाम रहे। टीम का स्कोर 26 रनों तक पहुँचा ही था कि देवदत्त पडिक्कल महज 15 रन के स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद संजू सैमसंग भी इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने 7 गेंद पर 2 चौकों की मदद से 16 रनों की पारी खेली, लेकिन इसके बाद वो कुमार कार्तिकेय की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद डार्ली मिचेल भी महज 17 रन ही बना सके। दूसरी ओर जॉस बटलर लगातार मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। 16वें ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर जॉस बटलर ने शानदार छक्के जड़े और अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से एक बड़ा हिट लगाने के चक्कर में जॉस बटलर ऋतिक शौकीन की गेंद पर कैच आउट हो गए। जॉस बटलर ने 52 गेंदों पर 4 छक्के और 5 चौकों की मदद से 67 रनों की पारी खेली, जिसके दम पर राजस्थान रॉयल्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 158 रनों तक ही पहुंच सकी। 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत भी बेहद ही खराब रही। टीम का स्कोर 23 रनों तक पहुंचा ही था कि रोहित शर्मा 2 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा का फ्लॉप शो इस मुकाबले में भी जारी रहा। हालांकि इसके बाद ईशान किशन भी ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक सके और वो भी 26 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ मुंबई इंडियंस की पारी एक बार फिर से लड़खड़ाती हुई नजर आई, लेकिन सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने पारी को संभाला। इन दोनों के बीच 34 गेंदों पर अर्धशतकीय साझेदारी हुई। इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 36 गेंदों पर 50 रन बनाए। इस साझेदारी को युजवेंद्र चहल ने तोड़ा और 51 रन बनाकर खेल रहे सूर्य कुमार यादव को रियान पराग के हाथों कैच आउट करवाया। हालांकि तिलक वर्मा भी इसके बाद महज 35 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद किरण पोलार्ड और टीम डेविड ने मिलकर मुंबई इंडियंस की पारी को संभाला। मुंबई इंडियंस को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 4 रनों की दरकार थी, लेकिन मैच में तभी एक ट्विस्ट आया और पहले ही गेंद पर किरण पोलार्ड आउट हो गए। हालांकि इसके अगले ही गेंद पर डेनियल सैम्स ने छक्का लगाकर मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2022 की पहली जीत दिलाई। मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।